हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल नीतू डायनामिक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याज की कचौरी। प्याज की कचौरी बनाने जा रही हूँ इसलिए प्याज ज़्यादा है। 7 से 8 प्याज को बारीक काट लिए हैं। ये थोड़ा धनिया है, ये हरी मिर्च है और ये 2 से 3 उबले हुए आलू को मैश कर लिए हैं। अब आइए कैसे बनाना है। पहले आटे को गूंद लेते हैं। ये मैंने मैदा ले लिए हैं, ये 2.5 कटोरी से 3 कटोरी मैदा लेंगे। ये मैंने 2.5 कटोरी मैदा ले लिए हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड करेंगे। फिलिंग में भी आलू में भी नमक होगा तो उस हिसाब से मैदे में आप नमक ऐड कीजिएगा। और ये मैं अजवाइन मैंने हाथ में ले ली, इसको इस तरह से मसलते हुए प्रेस करते हुए इसको डालते जाएंगे ताकि इसका खुशबू बहुत अच्छा आ सके। अब इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद ये मैंने ऑयल लिए हैं, आप घी भी ले सकते हैं। ये 1/2 कप से भी कम है, 1/4 ऑयल है, इसको डाल देंगे। पहले इसको मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से मसलेंगे इस तरह से ताकि इसका जो ऑयल जो है इसमें हर जगह इसमें मिल जाए। देखिए इसमें ऑयल डाल के इसको अच्छे से मसल लिए हैं। अब इस देखिए इस तरह से बंद जा रहा है, मुट्ठी बंद जा रहा है, तो उस हिसाब से आप इसमें ऑयल डालिए। हम लोग मोइन कहते हैं। तो इसको जो है मैदे में जो हम लोग तेल डाल देते हैं इसको मोइन कहते हैं, तो इसको इस तरह से होना चाहिए। अब मैदे को गूंथ लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। गूंथने के बाद इसको मसलना है थोड़ा सा। ये देखिए मैदे को इस तरह से मैंने मैदा लिया है और इसको इस तरह से मसलते हुए इसको सान लिए, गूंथ लिए हैं। अब इसको रख देंगे गीले हुए कपड़े से, इसको ढक के रख देंगे। ये मैंने कढ़ाई बैठा दिए हैं। अब इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी भर हींग डाल देंगे। और ये राई के दाने डाल देंगे इसमें, राई उसको चिटकने देंगे। और ये 1 चम्मच करीब भर के साबुत धनिया डाल देंगे। इसको क्रश कर दिए हैं, थोड़ा खल्लट से इसको थोड़ा सा क्रश कर दिए हैं। अब ये चिटकने लग गया है, इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसमें ये आलू डाल देंगे, मैश किया हुआ आलू है, इसको डाल देंगे। इसको इस तरह से मिक्स करेंगे आलू को। अब आलू डालने के बाद इसमें 1 चम्मच भर के 1 चम्मच बेसन ऐड कर देंगे, सिर्फ 1 चम्मच पूरा भर के बेसन ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें मसाले ऐड कर देंगे, ये थोड़ी सी देखिए इतनी सी हल्दी डाल देंगे।
थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। ये आधा चम्मच से भी कम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। ये थोड़ी सी आधा चम्मच से भी कम एक चौथाई ये गरम मसाला ऐड कर देंगे। और ये आधे चम्मच करीब चाट मसाला डाल देंगे। और एक चौथाई काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा टेस्ट के लिए। अब इस सब सारे मसाले को मिक्स कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, क्योंकि बेसन भी है तो मसाले के साथ ये बेसन भी भून जाना चाहिए, तो इसलिए 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लेंगे अच्छे से। अब मेरा ये 2 से 3 मिनट हो गया है। अब इसमें ये खूब सारे प्याज इसमें डाल देंगे, प्याज गल जाएगा। नमक नहीं डाले हैं, नमक भी इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अभी नमक डालेंगे तो प्याज भी जल्दी गल जाएगा, इसमें पानी छोड़ देगा। स्वाद टेस्ट के हिसाब से आप नमक ऐड कीजिए, क्योंकि आटे में भी नमक है। अब इसको मिक्स करेंगे। देखिए सारा का सारा प्याज गल गया है। अब इसमें और भी मिक्स हो जाएगा, एकदम गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा जिसमें इतना सारा प्याज भी है। ये आलू आप इसी टाइम एक बार चेक कर लीजिएगा नमक वमक सब कैसे है। मेरा तो एकदम परफेक्ट है, अभी से ही बहुत चटपटा बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा ये मूंगफली फ्राई किया हुआ इसको डाल देंगे। ताकि जो मूंगफली है थोड़ा मुँह में पड़ेगा, इसमें जाएगा तो अच्छा लगेगा, इसीलिए डाल दिए। अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये मेरा प्याज की कचौड़ी की फिलिंग भरने की फिलिंग तैयार हो गया है। अब इसमें हरी धनिया डाल के और आधा नींबू का रस डाल देंगे इसमें। इसमें नींबू का रस आधा निचोड़ के इसमें डाल देंगे। अब मेरा ये पूरा तैयार हो गया, गैस को भी बंद कर दिए। अब इसको हम एकदम ठंडा होने रख देंगे। ये मेरा फिलिंग तैयार हो गया है, अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये मैदे को अच्छे से इस तरह से मसल लेंगे। इसको छोटा छोटा करके पेड़ा बना लेंगे। इस तरह से पेड़े बना लेंगे। अब ये मेरे पेड़े बन गए हैं, इसको ढक देंगे। फिर इसको इसके भी पेड़े बना लेंगे।
अभी भी बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा होने देंगे तो तभी आप इसको बना पाएंगे इस तरह से। इस तरह से सारे पेड़े को इस तरह से बना लेंगे। मेरा ये सारे पेड़े तैयार हो गए हैं, इधर भी तैयार हो गया, इसको भी तैयार कर लिए हैं। अब इसको इस तरह से हाथ के साथ सहायता से इसको इस तरह से कर लेंगे। करने के बाद इसको जो एक प्याज का गोला लेंगे, अब इसको दबाते हुए इसको बंद करेंगे। एकदम ऊपर की तरफ लेके आएंगे। अब इसको इस तरह से बंद करने के बाद जो बचा कुचा जो पेड़ हैं इसका जो है निकाल लेंगे। अब इसको इस तरह से बना लेंगे, देखिए इस तरह से बना लेंगे। थोड़ा सा डस्ट लगाते हुए हाथ से ही इसको, हल्के हाथे से इसको प्रेस कीजिए तो ये कचौरी के शेप में आ जाएगा। देखिए इसी तरह से आपको बना के कचौरी के इतने ही बड़े साइज रहना चाहिए कचौरी के, और इसको इस तरह से बना लेंगे। फिर से दिखा रहे हैं, इसको इस तरह से नीचे के हिस्सा जो है इसको ज़्यादा इसको इस तरह से दबाएंगे, ऊपर के तरफ नहीं अभी। अब फिर इसको ये गोला इसमें डाल देंगे। बाहर के कचौरी में थोड़ा सा जो ये फीलिंग जो प्याज की कचौरी बोलते हैं, पर उसमें वो कम मिलता है, तो थोड़ा थोड़ा भरा रहता है, पर आप घर में बना के खाइए बहुत ही अच्छा लगता है और आपको ज़्यादा भी फीलिंग मिलेगा। इस तरह से निकालने के बाद इसको इस तरह से बंद कर दीजिए। हल्का सा मैदा लगा लीजिए, और इसको दबा दबा के देखिए बन गया कचौरी। इसी तरह बना लेंगे। ये तेल को मैंने बैठा दिए हैं, तेल जो है गरम भी हो गया है। थोड़ा सा चेक करने के लिए आप थोड़ा सा मैदा डाल सकते हैं, देखिए कढ़ाई के ऊपर आ जा रहा है। अब इसको मीडियम आंच, एकदम धीमे आंच में इसको मीडियम आंच में इसको रखेंगे और एक एक करके फिर इसको डाल देंगे। पहले दो करके फ्राई करेंगे क्योंकि इसको अभी उठा लेंगे, इसको भी फ्राई नहीं करना है, इसको भी उठा लेंगे। इसको अभी हम फ्राई नहीं करेंगे। इसको देखिए इस तरह से निकाल लेंगे। सारा का सारा इस तरह से निकाल लेंगे। अब सारा का सारा निकाल लिए हैं। अब इसको एकदम मीडियम धीमे आंच में इसको रख देंगे और इसको अब सारा इसमें डाल देंगे। जितना इसमें डाल जा सके उतना डालेंगे, आप जितना डाल सकते हैं डालिए। इसको इसमें डाल देंगे, फिर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। धीमी आंच में इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई करेंगे।
दो बार इसको फ्राई करना है, याद रखिएगा। पहले फ्राई करके उठा लिए हैं, निकाल के रख दिए हैं, उसके बाद फिर इसको इकट्ठे डाल के इस तरह से फ्राई करेंगे एकदम धीमे आंच में। देखिए इसको एकदम धीमे आंच पे को फ्राई कर रहे हैं, ये देखिए क्रिस्पी भी हो गया है। थोड़ा सा ये पलट दिए हैं, बस नीचे की तरफ हो जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। अब इसको निकाल लेंगे, ये हो गया है फ्राई, देखिए अच्छे से। अब इसको निकाल लेंगे, थोड़ा ये फ्राई होने में टाइम लगता है क्योंकि ये क्रिस्पी होना है, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगा करने में, क्योंकि तभी तो खाने में अच्छा लगेगा अगर क्रिस्पी नहीं होगा तो। इसको टिश्यू पेपर में निकाल रहे हैं, आप टिश्यू पेपर में निकाल सकते हैं। दूसरा भी बैठा दिए हैं इसको फ्राई करने के लिए। देखिए मेरा ये कितना अच्छा फूला फूला एकदम कचौड़ी बना है, प्याज की कचौड़ी। इसको तोड़ के भी दिखा देते हैं, देखिए कितना आवाज हो रहा है, तक खस्ता जैसा बना है। अभी बहुत ही गर्म है इसलिए तोड़ नहीं पा रहा। ये देखिए इसके अंदर से कितना फीलिंग, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही अच्छा बना है ये। इस तरह से आप खाइए प्याज की कचौड़ी चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी से भी आप खा सकते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।